हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान कृषि परिचारक वैकेंसी के बारे में बताएंगे। इसकी जो योग्यता है केवल 10th पास यानी 10वीं पास उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा ये वीडियो होने वाला है। ये बहुत अच्छी वैकेंसी हैं, इसमें से 5,281 टोटल पद हैं और कुछ अलग पद और भी हैं। तो सारे पदों के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या इस राजस्थान पशु परिचारक वैकेंसी में जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के लास्ट में देंगे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरी आपको डिटेल पे जानकारी देंगे जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है ओनली 10th पास, जो भी स्टूडेंट 10वीं पास है उन सभी के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं कितनी वैकेंसी, आप देख लीजिए सबसे पहले कितनी, 5,281 टोटल पद हैं और ये 600 आपके TSP के पद हैं। चलिए इसमें देखते हैं पहले इसका कब से फॉर्म फिल होना है। तो ये जो आपका फॉर्म फिल होगा 19/1/2024 से आपका फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये 17/2/2024 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें से जनरल OBC का जो फीस है कितना है, 600 है, और इसमें से OBC का कितना है, जो NCL में आते हैं उनका कितना है, 400 फीस है, और SC ST का भी 400 फीस है। कितना 400 है। तो चलिए और आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जो एज है, मिनिमम एज आपकी 18 साल होना चाहिए। मिनिमम एज कितनी, 18 साल, और मैक्सिमम 40 साल एज होना चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है आपके देख रहे हैं, तो एज लिमिट आपका देख लें 1/1/2025 तक, तो इसमें एज का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो इसमें आप देख रहे हैं टोटल जो पोस्ट हैं, तो टोटल पोस्ट कितने हैं आपके, 5,281 पोस्ट हैं। नॉन TSP के कितने पोस्ट हैं, 5,281 पोस्ट हैं, और TSP के 653 पोस्ट हैं। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो इसका जो देख लीजिए, इसका जो एलिजिबिलिटी है, क्लास 10th मैट्रिक इन, यानी ये क्या कह रहा है कि आपका 10वीं पास होना चाहिए किसी भी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से, अगर आप 10वीं पास हैं। और इसमें ये कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, हमने इसका नोटिफिकेशन डिटेल से पढ़ लिया है, कि आप हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न पास हों या सेकंड डिवीज़न पास हो, कहीं पे मेंशन नहीं किया। ओनली आपको 10th पास होना चाहिए, अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंटों के मन में ये है कि अगर हम अदर स्टूडेंट के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ जी, क्या है कि जो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं अगर वो 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को वो फिल कर सकते हैं, वो जर्नल में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी, अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, किसी भी स्टेट से हैं तो आपको जर्नल पे, वहाँ पे आप जर्नल कैटेगरी पे जाएंगे, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप 10th पास हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल करिएगा और इसमें से देख सकते हैं। और देखते हैं क्या है, आप जाके यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड, नोटिफिकेशन पे जाके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और अच्छे से देख सकते हैं क्या है। तो ठीक है, चलिए इसमें अगर इसके बारे में जैसे भी और कोई अच्छी और जानकारी आती है कि क्या सिलेबस में कोई बदलाव होता है, वैकेंसी पैटर्न में कोई बदलाव होता है, एग्ज़ाम पैटर्न में, तो हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। आप हमारे चैनल AgriKnowledge 9198 को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।